तस्वीर में दिख रहे इस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन ये जिंदा है। ये बात सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा कि अंतिम संस्कार के बाद कोई जिंदा कैसे रह सकता है, तो हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। ये मामला भरतपुर जिले से सामने आया है, जहां 26 साल पहले लापता हो चुके एक बुजुर्ग को अपना परिवार वापस मिल गया। ये उड़ीसा के कटक जिले के रहने वाले सोपेश्वर दास हैं। 64 साल के सोपेश्वर दास की दिमागी हालत ठीक नहीं है। करीब 26 साल पहले ये अपने घर से कहीं लापता हो गए थे। परिवार ने पूरे 24 साल तक इनका इंतजार किया, लेकिन जब ये लौट कर नहीं आए तो इन्हें मृत मानकर इनके अंतिम संस्कार की रस्म भी पूरी कर दी गई। क्योंकि उड़ीसा में ऐसी परंपरा है, अगर कोई लापता व्यक्ति 12 साल तक घर वापस नहीं लौटता तो उसे मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसीलिए सोपेश्वर दास के घर वालों ने भी वैसा ही किया। सोपेश्वर दास भटक कर भरतपुर जिले में आ पहुंचे, जहां के अपना घर आश्रम ने इन्हें आश्रय दिया। और जब इनकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक हुई तो इन्होंने अपने घर का पता बताया, जिसके बाद उड़ीसा में संबंधित थाने को खबर दी गई और जब वीडियो कॉल करवाई गई तो घर वालों ने भी इन्हें पहचान लिया। अब पिता से मिलने के बाद बेटे की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैंने 9 क्लास में पाठ पढ़ता है, ढूंढ के 5-7 साल ढूंढ ले और नहीं पाया तो छोड़ गया। हमारा हिंदी परंपरा में जो 12 साल का 12 साल करे है, हम नहीं करे, वो 26 साल का कर दिया। तो वो दो साल के बाद यही जून 8 को यहाँ से फ़ोन गया, हाँ ये आपका पिताजी यहाँ पर है, हाँ तो ठीक है हमको देखा, फोटो गया और वीडियो कॉल में देखा और जो पेशन लगा हमारा पिताजी वो है। अभी मैं दो दिन का ट्रेन बैठा, कल पहुँचा है यहाँ से भी हुआ, हाँ भरतपुर में अपना घर के निदेशक बीएम भारद्वाज भी अब काफी खुश हैं। भारद्वाज बताते हैं कि उनके आश्रय देने की वजह से ही आज एक बुजुर्ग को अपना परिवार वापस मिल गया, नहीं तो ये भटकते भटकते न जाने कहां चले जाते। इनके हल्की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जब ही से इनका उपचार चल रहा था और उपचार के बाद जैसे इन्होंने अपना पता बताना शुरू किया तो इनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया गया। पुलिस के माध्यम से इनके परिजनों का पता चला। आज इनके बेटे 25.5 साल बाद लेने के लिए आए हैं। विशेष बात ये है कि उड़ीसा में एक मान्यता है, अगर कोई परिजन गुम हो जाता है तो गुम होने के बाद में 12 साल बाद उनको मृत मान लिया जाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है उनका। तो इसी क्रम में इनकी पत्नी को भरोसा नहीं था कि मेरा पति एक्सपायर हो गया है, तो 12 साल बाद तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन 24 साल बाद पुनः समाज का, परिवार का, सबका दबाव बना तो उन्होंने जैसी रीत नीति होती है बिच्छू उतारना, विधवा का जीवन जीना शुरू कर दिया। इनका अंतिम संस्कार की जो भी प्रक्रिया होती है, ब्रह्मभोज होता है, वो भी परिवार वालों ने करा दिया था। फिलहाल सोपेश्वर दास अपने बेटे संजय के साथ उड़ीसा लौट चुके हैं, लेकिन इनके बारे में जो कोई भी सुनता है वो हैरान रह जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सोपेश्वर दास इतने साल बाद सही सलामत घर वापस लौट आए हैं। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।